पहले भी मैंने टेलीविजन किया है बाय द वे, बट ये एक ऐसा शो था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आई थिंक जब कलर्स और राज एंड मनीषा एंड दे केम टू मी, सो आई सेड कि या व्हाई नॉट। एंड बात रही डिफिकल्टी की, तो डिफिकल्टी तो हर जगह पर है। सवाल ये उठता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। मेरे डैड एक एक्शन डायरेक्टर थे, मेरी मॉम स्टंट आर्टिस्ट रही हैं, बचपन से घर में माहौल ऐसा रहा है। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई फियर होगा, जब सामने आएगा और डरूंगा तो रियलाइज़ होगा कि हाँ इस चीज़ का फियर है। बट जो ट्रेनिंग हमें दी गई है, जब मैं वीरू देवगन जी के साथ भी काम किया करता था, कि डर पे जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और वो मतलब ऐसे नहीं कि आप अंधाधुन बस कूद पड़े, यू हैव टू गेट ट्रेन फॉर इट। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेन एंड अनट्रेन, और कुछ नहीं होता है लाइफ में। कि आप लोगों को देखते हैं कि वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं या वो जंप कर रहे हैं तो, या स्विमिंग पूल पे बहुत ज़्यादा लैप्स ले रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, नथिंग एल्स। हाँ, अभी चेन्नई एक्सप्रेस के बाद मैं खतरों का खिलाड़ी बनने वाला हूँ, जिसे कहते हैं डर का ब्लॉकबस्टर। सो देखते हैं, लोगों को तंगबली तो अच्छा लगा था, अब देखते हैं निकितिन धीर अच्छा लगता है कि नहीं। आई एम जस्ट लुकिंग टू हैव फन एंड एन्जॉय द एडवेंचर एंड द राइड, एंड आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देता, आता नहीं पब्लिक में, सो दिस इज़ अ वे फॉर देम टू गेट टू नो मी ऑल्सो। दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, क्योंकि ये टीवी है और आई हैव नॉट डन टीवी बिफोर, एंड दिस फियर फैक्टर इज़ अ शो विच इज़ रियली एक्साइटिंग। देयर इज एडवेंचर, देयर इज एवरीथिंग excitement filled together, and I'm always used to watch this show since childhood, and I wanted to be a part of it, and this time they offered me and I was like let's go face my fears and इसके जो प्रीवियस सीजन्स है, प्रीवियस एपिसोड्स है, वो सब देखा है। मेंटली खुद को बहुत प्रिपेयर किया है, क्योंकि फिज़िकली खुद को उतना फिट करने का मौका मेरे पास था नहीं, ना ही टाइम था, क्योंकि मैं शूट में बिज़ी थी। तो बस मैं मानती हूँ कि जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो उस चीज़ को कॉम्पनसेट कर लेगी। बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है कि हमें ये मौका मिल रहा है, एंड थैंक्स टू कलर्स एंड एंडमॉल कि हमें एक साथ ये यू नो मिल रहा है मौका। दैट्स रियली एक्साइटिंग।